कितने लोग हैं निगरानी समिति में मेरे ऊपर? आपको मालूम है सबलगढ़ हो गया ना, आपको मालूम है ना इस पूरी समिति के अध्यक्ष आप हैं इस गांव में है? तो क्या काम करें निगरानी समिति? इसमें काम क्या कर रही है? कौन है यहाँ पे? आप क्या यहाँ पे आशा है? क्या करते हैं आप लोग? उनके पहले आप उनको दवा देते हैं कि नहीं देते हैं? जो लोग जैसे कोई लक्षण युक्त व्यक्ति पाया गया, सर्दी है, जुकाम है, खांसी है या कोई भी इस प्रकार की उसके सामने समस्या है, तो निगरानी समिति उन लोगों को मेडिसिन किट देती है कि नहीं? मेडिसिन किट पहले देते हैं, फिर उनकी सूची बना करके उसको फिर आप जो सेक्टर यहाँ पे मजिस्ट्रेट होंगे या अपने यहाँ के लेखपाल या ग्राम विकास अधिकारी उसको देते होंगे, वह व्यक्ति फिर उसको देता होगा वहाँ पे इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर में देता होगा, वहाँ से अगले दिन आरआरटी की टीम आके जांच कराती होगी उन लोगों की। यही होता है सभी पूरे गांव में हो रहा है। कितने लोग इस गांव में ऐसे चिन्हित किए आपने? कितने लोगों से दवा दी? छः लोगों से। और कितने लोग उसमें पॉजिटिव आए हैं? एक पॉजिटिव आए। दवा हुई उनकी? ठीक है। घर में रह रहे हैं? उनके अलग में रहने की, घर में अलग से रहने की, खाने की व्यवस्था, टॉयलेट सब अलग है ना उसका? निरंतर डॉक्टर बातचीत करते हैं उन लोगों? फोन नंबर उनके पास भी है, डॉक्टर बातचीत करते हैं? उनका ऑक्सीमीटर के ऑक्सीजन लेवल क्या है, कोई नापता है? हाँ। और उनका टेम्परेचर की कितना उनका टेम्परेचर है, कोई नापता भी है वहाँ पे? कौन करता है? कौन सा ऑक्सीजन लेते हैं उसको फिर सैनिटाइज करते हैं? डॉक्टर भी जाते हैं?